जगदीप बेदी हियर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम दिवाली क्राफ्ट में बाजार से ली हुई कुछ चीजों को और ज्यादा सुंदर बनाएंगे। जैसे ये देखिए, ये स्वास्तिक है, ये लक्ष्मी जी के पैर हैं, ये कलश है, ये मार्केट में इस तरह से मिल जाते हैं। अब हम इनको इस तरह के स्टोन से, बीड से और मल्टी कलर के स्टोन से डेकोरेट करेंगे। ये हमने लिया, इसको उतारना नहीं है, इसके नीचे चिपक है, ऐसे इसको डेकोरेट करना है। तो अब हम इस तरह से ये स्टोन की लड़ी उठाएंगे और लड़ी को हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से लगाएंगे हम लड़ी को। आप चाहें तो यहाँ से इसे कट मार सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं। इनको इस तरह से लगा दें, ये देखिए यहाँ पर आपने इस तरह से लगा दिया। इस तरह से काट लें, फिर इस तरह से लगा दें। आपके ऊपर आप कौन सा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से हम डिज़ाइन बना सकते हैं। आप देखिए, ये और उसमें आपको फ़र्क दिखाती हूँ, कितना फ़र्क है। ये देखिए, ये हमने इस तरह से लगा दिया। अब हम बीच में भी लगा सकते हैं, इस तरह से बीच में लगाएं और इस तरह से हाफ हाफ इस तरफ से लगा दें। इसको लगाने का ये फ़ायदा है कि आप इसको लगाएंगे तो इसको हटा के फिर से लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सही नहीं लगा तो आप फिर से लगा सकते हैं। तो ये मैंने जैसे ये डिज़ाइन बनाया, आप देखिए इसमें और इसमें फ़र्क देखिए, ये है और ये है, दोनों में फ़र्क देखिए कितना फ़र्क है। तो आप इसी तरह से, इस तरह से मैं इसमें डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें वाइट बीड्स लिए, इसको बिल्कुल हम डिफरेंट कर देंगे। इस तरह से हम इसके किनारे से ले जाते हुए, इसके किनारे से इस तरह से ले जाते हुए पूरा इसको घुमाकर यहाँ तक इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये माता के चरण है। आप जितनी भी इसमें जितना भी कार्ड क्राफ्ट कर सकें वही आराधना मानी जाएगी। तो ये देखिए, आप देख लें इस तरह से ये कितने सुंदर लग रहे हैं। अब आप इसके एक एक उसमें भी इस तरह से एक एक बीड्स लगा सकते हैं। आप दोनों में डिफरेंट देख लीजिए, आपको दोनों में डिफरेंट दिखाई देगा। ये प्लेन है और ये मैंने बीड्स लगा दिए, तो आप दोनों में डिफरेंट देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगी मल्टी कलर में। ये मैंने मल्टी कलर के स्टोन लिए, इस तरह मैं मल्टी कलर के स्टोन लेकर, जरूरी नहीं आपने वही डिज़ाइन बनाना है, आप ये भी डिज़ाइन बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए, आप इस तरह से आड़ा आड़ा भी लगा सकते हैं। फिर आप इनके पैरों पर भी एक एक लगा दें। देखें आप कितनी सुंदर लग रही है, ये पूरे में नग भर दिया आपने। इस तरह से आप पैरों पर भी एक एक नग लगा दें। इसमें नग लगाने में, स्टोन लगाने में यही फायदा है कि अगर आपका गलत लग गया तो फिर से उड़ से उखाड़ के लगा सकते हैं। तो आप इनका भी फर्क देख लीजिए, कितना सुंदर फर्क है, कितना फर्क ज्यादा है। देखिए, आप इस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप मटकी को कर सकते हैं, मटकी के यहाँ पर लगाएं इस तरह से, देखिए, फिर यहाँ पर लगाएं मटकी के, इस तरह से आप मटकी में यहाँ लगा सकते हैं। मटकी के एक एक लेयर पे लगा सकते हैं आप इस तरह से, देखिए यहाँ लगा सकते हैं आप। इसके साथ घुमाकर लगा सकते हैं इस तरह से।
बाद में आप किनारे पर एक ऊपर लगा दें इस तरह से, तो आप देखें ये कितनी सुंदर लग रही है। थोड़ा फ़र्क ज़रूर लगता है, बाज़ार से आप ये प्लेन लाए हैं, ये प्लेन है और ये देखिए डेकोरेटेड है। इसी तरह से अगर आपने और डेकोरेट करना हो तो इसके किनारे किनारे पर और भी लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ से किनारे पर आप इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगा दी मैंने, इसी तरह से आप यहाँ से लाके लगा सकते हैं। तो इस मटकी में और इस मटकी में फ़र्क कितना है आप देख लीजिए। देखिए इसमें और इसमें, प्लेन में और इसमें कितना फ़र्क है। तो आप बाज़ार से ऐसी चीज़ें लाकर, बाज़ार से लाकर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, अपना रूप दे सकते हैं, अपने क्राफ्ट से उसको डिफरेंट बना सकते हैं। गुड लक।